आज हम मजमून रियाजी में पढ़ेंगे तस्वीर में दिखाए हुए अदद। हिस्सा अव्वल में हमने पढ़ा कि किस तरह से हमने तस्वीरों में इकाई और दहाई लिखा और उनके अदद लिखे और उनके लफ्ज़ लिखे। अब हम देखेंगे कि दो हिंसी अदद को हम इकाई के मुकाम पर और दहाई के मुकाम पर कैसे लिखते हैं, ये हम देख चुके हैं। अब इनको हम हल करेंगे तस्वीरों के ज़रिए। मान लो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये तस्वीर है जिसमें सिर्फ अदद दिए हुए हैं। अब हमको क्या करना है, इन अदद को उठाकर इकाई के मुकाम पर कितनी तस्वीरें आएगी, दहाई के मुकाम पर कितनी तस्वीरें आएगी, ये हमें यहाँ पर लिखना है और बनाना है। और नीचे के जो कॉलम में आपको उनको लफ्ज़ों में लिखना है। थोड़ा मुश्किल है लेकिन हम सीखते हैं। देखिए मिसाल के तौर पर यहाँ आपको नज़र आ रहा है एक तस्वीर जिसमें अदद दिया हुआ है 47। 47 सात कहाँ पे आएगा, इकाई में आएगा, वेरी गुड। उसके बाद चार कहाँ पे जाएगा, दहाई में जाएगा, वेरी गुड। अब हम देखेंगे कि सात के लिए हमें सात छोटे छोटे बॉक्स लेने हैं, ले लिया हमने, वेरी गुड। अब हम देखेंगे कि चार के लिए हमें चार दहाई वाले बॉक्स लेने हैं, ले लिया हमने, वेरी गुड। अब यहाँ पे हम तस्वीर के ज़रिए ये समझ रहे हैं कि सात इकाई के कॉलम में हमने लिखा है, चार दहाई के कॉलम में लिखा है, यानी 47 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो कि हमारी समझ के लिए है। अब इसी को हमें लफ्ज़ों में लिखना है, सात और चार दहाई, 40 और सात कितने होते हैं, 47। इसी तरीके से हम बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स और भी आगे देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और इसको अच्छी तरह समझने के लिए इसको बार बार देखिए, ताकि आपको इकाई दहाई के ज़रिए दो हिंसी अदद समझ में आए। शुक्रिया।